व्हाट्सअप का आज इस बारे में, तो आज मिलेगा एक और बहुत ही अनोखा प्रोडक्ट जो कि हमारी पोर्टेबल वॉशिंग मशीन DMR कंपनी की। इसका मॉडल नंबर है 30-1208। और पहले मुझे पता नहीं कि वॉशिंग मशीन भी पोर्टेबल होती हैं, पर आप देख सकते हैं कि काफी हल्की है और आधा वेट तो इसके गट्टे का डब्बा ही होगा, काफी मोटे गट्टे का डब्बा है। और इसकी पैकिंग कोई ऐसी कंपनी की पैकिंग नहीं है, डायरेक्ट इस डब्बे के अंदर सीधा वॉशिंग मशीन है, तो कोई प्रिंटेड कोई ऐसा कुछ कोई डिजाइन नहीं है, बस यहाँ पे पेपर लगा रखा है, उसके अंदर इसकी डिटेल लिख रखी है, MRP लिख रखी है, वो सब लिख रखी है, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। दोस्तों नॉर्मली तो वॉशिंग मशीन हमारी बहुत भारी होती है, कैपेसिटी उनकी होती है 4 या 5 किलो से लेके 8, 10, 12 किलो तक की, तो इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसकी कैपेसिटी हमारी 3 किलो तक की, और फिर वॉशिंग स्पिन कैपेसिटी है इसके अंदर हमारी 1.5 किलो तक की। दोस्तों किसके लिए आपको क्यों खरीदनी चाहिए? यूजली ये बहुत लोग कहते हैं कि बेकार है, तो ये उनके लिए अगर आपने खुद के बड़े बड़े लोगों के कपड़े धोगे, जैसे मेरे लड़कों की जीन्स हो गई, जैकेट्स हो गई, तो इसके अंदर वो नहीं धुलेगी। ये प्लास्टिक की वॉशिंग मशीन है, इन चीजों के लिए नहीं बनी। अब उसके लिए आपको बढ़िया कंपनी सैमसंग, LG जो भी आपको बॉश जो चाहिए वो कंपनी आपको लेनी पड़ेगी। तो यूजली ये है बच्चों के लिए, तो बच्चों के कपड़े काफी छोटे होते हैं, काफी हल्के होते हैं, एक मुट्ठी के अंदर आपके कम से कम 10 कपड़े आप भर सकते हो, उनके लिए है। या फिर अगर आपको खाली अपने अंडर गार्मेंट्स वगैरह धोने हो तो उनके लिए काम आएगी। यूजली आप बड़े लोगों के कपड़ों के लिए ये वॉशिंग मशीन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो इसकी जो क्या कहते हैं ना, इसकी औकात ही नहीं है, पावर ही नहीं है जो बड़े लोगों के कपड़े वो धो सके। तो दोस्तों आइए इसको खोल के देखते हैं, और मैं थोड़े से अपने कपड़े डाल के देखूंगा, और आपको खरीदना हो तो वीडियो के नीचे लिंक है, आप वहां से खरीद सकते हैं, 2-3 मॉडल है, तो Amazon से हमारा थोड़ा सपोर्ट भी रहता है। दोस्तों ये हमारी मशीन की स्पेसिफिकेशन है, आप चाहें तो यहाँ इजीली पढ़ सकते हैं, DMR कंपनी है, मॉडल नंबर है, मिनी वॉशिंग मशीन इसे कहते हैं, और यहाँ देखिए इसका मॉडल नंबर है, यहाँ देखिए वॉशिंग कैपेसिटी 3 किलो, स्पिन कैपेसिटी 1.5 किलो, जिसको समझ आता है टेक्निकलिटी तो आप समझ सकते हैं। 240 वॉल्ट की मोटर है, जो कि मुझे लगता नहीं ज़्यादा स्ट्रांग होगी, पर फिर भी देखते हैं क्या होता है। और यहाँ इसकी ग्रॉस वेट है, इसके साथ अब क्या क्या मिलता है, स्पिन पाइप, प्लेट, इनलेट पाइप, यूज़र मैनुअल, और यहाँ इसकी MRP लिखी है ऑलमोस्ट 5300 रुपये की हमें मिली है, 4800 रुपये की, और मैन्युफैक्चरिंग डेट है 2020 सितंबर की। बाकी जो है टोल फ्री नंबर है, आप किसी से कुछ को आपको दिक्कत हो तो आप वो ले सकते हैं। तो साथ ही साथ इसके में मिलती है 1 साल की कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी। तो मैंने कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी देखी है, जैसे आपने गाड़ी अगर आप लेते हैं तो गाड़ी के अंदर बम्पर टू गंटर जो सारे के सारे प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट होते हैं, कोई प्लास्टिक का पार्ट भी होता है तो वो वाली वारंटी भी होती है, पर मुझे लगता नहीं कि ये इसके अंदर वो इंक्लूड होती होगी। पर फिर भी अगर आपको कुछ डिटेल्स पूछनी हो तो आप कंपनी के अंदर फोन करके पूछ सकते हैं, कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी के अंदर आपका मशीन के क्या क्या पार्ट्स इंक्लूडेड हैं। तो दोस्तों आइए इसको खोल के देखते हैं, और इसके अंदर देखते हैं कैसे ये चलती है, और इसके अंदर क्या कैपेसिटी है। तो ये हमारी वॉशिंग मशीन है, यहाँ देख रहेगा कि अगर आपको डेमो देखना है तो आप साइड पे आके देख सकते हैं, इनकी ऊपर देखेंगे पूरी की पूरी, अगर मैं आपको दिखाऊं तो पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की है, तो अंदर आपके कपड़े कैसे धुल रहे हैं आपको वो दिख जाएगा। तो देखिए चारों तरफ से आपको दिखाता हूँ, वायर में दिखाता हूँ, वायर जो है इसकी काफ़ी बड़ी है, ऑलमोस्ट 2 मीटर की वायर है, तो आपको पावर की कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपका सॉकेट दूर है तो। यहाँ देने के लिए इसको उठाने के लिए दिया गया, अगर आपको उठानी हो तो देखिए ज़्यादा भारी नहीं है। और ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखेंगे नॉब्स है, स्पिन आपको करनी है, ऑप्शन है वॉश करना है, तो जैसे आपको ऑप्शन चूज करना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। पानी आपको ऊपर से डालना पड़ेगा, यहाँ देखिए वाटर इनटेक लिखा है, तो अंदर आपको डालने के लिए पानी यहाँ से निकलेगा, और जब आप वॉशिंग मशीन अपनी कर लेंगे तो आपको ड्रेन पाइप पीछे से कनेक्ट करना पड़ेगा और वहाँ से वो आपका चल जाएगा। और ऊपर देखेंगे यहाँ टाइमर भी दे रखा है, तो यहाँ मैं टाइम थोड़ा करके दिखाता हूँ, तो देखेंगे टाइमर की आपको आवाज़ आ रही होगी, तो 15 मिनट का आप इसके अंदर टाइमर आप लगा सकते हैं, तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। आइए इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है हमें। तो यह मिलता है ड्रेन आउट पाइप, जिससे आपका जो है गंदा पानी, धुना हुआ पानी सब निकलेगा। ये आप अपना पाइप जो है अपनी नाली के अंदर, घर की नाली के अंदर डालेंगे। और यहाँ इसकी है ड्रेन बास्केट, और ये ज़्यादा मुझे लगती नहीं कुछ काम आएगी आपको, क्योंकि ये ढंग से ड्रेन करती नहीं है, मैंने भी और वीडियोज़ वगैरह देखी हैं, कमेंट्स में रिव्यूज़ भी पड़े हैं, तो इसको हम निकाल देते हैं। तो ये हमारी वॉशिंग मशीन है, आपको ये 240 वॉट की मोटर आपको दिख जाएगी, तो ये देखिए ऐसे घुमा रहा हो तो मोटर हमारी चल रही है। तो फिर से बताना चाहूँगा, अपना एक बार कपड़े में डाल के आपको दिखाता हूँ कि बड़ों के लिए ज़्यादा खास नहीं धुलेंगे, क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा नहीं है, बच्चों के लिए आपको शायद काम आपको काफ़ी अच्छी आ जाएगी। तो ये देखिए कुछ कपड़े हैं मेरी, ये जीन्स है, कुछ टी शर्ट्स वगैरह हैं,
और यहाँ बच्चों के देखिए बहुत सारी टी शर्ट्स, कंबल वगैरह सब कुछ है, और एक छोटे से मुट्ठी भर कपड़े हैं। तो आपको इसी में बताना चाहूँगा, मैं डाल के दिखाता हूँ। ये मैं जीन्स डालता हूँ, सपोज देखिए एक जीन्स के अंदर ही मेरी जो है ऑलमोस्ट जो है वॉशिंग मशीन भर गई है। अगर मैं एक दो टी शर्ट और डालूँगा तो आई थिंक वो इनफ होगी चलाने के लिए, क्योंकि फिर इसकी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, पूरी हम ठूस भी नहीं सकते। तो आप फिर आप बंद करेंगे और फिर आप अपनी मशीन चला देंगे, पर फिर भी ये नहीं कहेंगे, क्योंकि जो बड़े कपड़े होते हैं उनको थोड़ी और जान ची होती है, और जीन्स जैसी चीज़ों को तो कुछ ज़्यादा ही जान ची होती, क्योंकि उनका कपड़ा काफ़ी मोटा होता है। और मैं आइए बच्चों का कपड़ा डाल के दिखाता हूँ। तो ये देखिए बहुत सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं, और ये कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह भी डाल दिए हैं। तो अभी देखेंगे हमारी काफ़ी जगह बची हुई है, अभी भी थोड़ी मोटी चीज़ें और हम डाल सकते हैं। तो आपके बच्चों का एक 5-6 दिन के आप कपड़े इजीली आप इसके अंदर डाल सकते हैं, इजीली आप धो सकते हैं इसके अंदर। तो एक बार मैं आपको ऐसे ही बिना भी कपड़े डाले ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखेंगे मैं इसका ढक्कन खोलता हूँ पहले आपको, ताकि अंदर की जो है मोटर आपको नज़र आए। और यहाँ देखेंगे तो टाइमर है, तो आपको पहले आपको टाइमर सेट करना पड़ेगा, बिना टाइमर के जो है आपकी जो है नहीं चलेगी। तो ये मैं कुछ ऐसी टाइमर सेट कर देता हूँ। और यहाँ देखेंगे अभी ऑफ के ऊपर है, मैं वॉश पिड़वाता हूँ। तो वॉश के ऑप्शन में क्या होगा, थोड़ी देर यू स्पिन होगा, फिर काउंटर क्लॉक पर स्पिन होगा, तो थोड़ी थोड़ी देर में 10-12 सेकंड बाद अपने आप मशीन जो है घूमती रहती है। तो देखेंगे अभी हमारा वॉश ऑप्शन है, अब थोड़ा घूमेगा फिर थोड़ी देर में। तो पहले ऐसी ऐसी शिफ्ट होती रहेगी, उल्टा सीधा। और एक ऑप्शन है हमारा स्पिन, तो स्पिन में हमारी खाली एक ही डायरेक्शन में घूमता रहेगा, वो बार बार काउंटर उल्टा नहीं घूमेगा। तो जो सा आपको ऑप्शन चूज़ करना हो, अपना पाउडर डाल के पानी के साथ थोड़े कपड़े डाल के आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी DMR कंपनी की 3 किलो की वॉशिंग मशीन, और ये मैंने 4800 की खरीदी थी। तो बताना चाहूंगा कि ये वर्थ है कि नहीं, वर्थ मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं है, पर फिर भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, स्पेशली बड़े लोगों के एडल्ट के कपड़ों के लिए मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों के कपड़े आप धो सकते हैं, अंडरगार्मेंट्स वगैरह आप धो सकते हैं, और अगर आपको ज्यादा ही करना है तो आप इससे बेटर कोई और कंपनी की बड़ी वॉशिंग मशीन आप ले सकते हैं, 7000 के आसपास आपको मिनिमम शुरू हो जाती है, उनसे फार बेटर होती है। बस ये पोर्टेबल है, तो आपको वैसे भी आपको कहीं होटल में जाएंगे तो आपको वॉशिंग मशीन तो नहीं ले जाने देंगे ना, तो पोर्टेबल का कुछ खास फायदा तो है नहीं। जहां भी आपको जाएंगे बिजली का सॉकेट होगा, होटल्स में जाते हैं तो वहां पे आपकी लॉन्ड्री होती है, किसी के घर जाते हैं तो वहां पे भी कपड़े धोने की मशीन होती है, या आप हाथ से भी धो सकते हैं। तो इतनी कोई आफत नहीं आ रही कि आपको अपनी वॉशिंग मशीन लेके इधर उधर आपको घूमनी पड़ेगी, नॉर्मल आप बड़ी वॉशिंग मशीन ले सकते हैं। हाँ, थोड़ी जगह की अगर किसी को दिक्कत हो तो शायद ये आपको पड़ सकती है, पर आई डोंट थिंक कि इतनी कोई आदमी 5000 रुपए खर्च सकता है और फिर भी 2000 में थोड़ी बेटर चीज नहीं ले सकता। तो मैं रेकमेंड करता भी हूँ, नहीं भी करता, पर एडल्ट के लिए बिल्कुल नहीं। पर फिर भी अगर आपको खरीदना हो तो वीडियो के नीचे लिंक है, वहां से आप खरीद सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।